ओके तो मुझे मिल चुके हैं रितु के इतने सारे कपड़े, टॉप आ चुका है और नेल पेंट भी इससे बहुत ज्यादा मैच कर रही है। मुझे ये टॉप बहुत ज्यादा पसंद आया है। दोनों अपने में बातें कर रही हैं। चलो मैं कुछ खुराफात करती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ इनको कि ये करना है। अरे रितु, चलो कुछ ट्राई करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ना तू अपने कुछ कपड़े जो हैं, हाँ दे दे मुझे। मतलब ऐसा ऐसा कुछ मैं प्लान कर रही हूँ कि ना तू अपने कुछ कपड़े जो मेरे आ सकते हैं, ऐसा मैं ट्राई वैसे तो हॉल मुश्किल से ही कोई कपड़े होंगे जो मेरे कपड़े तुम्हें आ आ सकते सकते हैं। हैं। आ सकते हाँ हैं, क्यों नहीं बिल्कुल आ सकते बिल्कुल, हैं? हर आ सकते हैं। प्लीज मुझे ये वीडियो बनाने फिगर दो, देख के बात करो ना, आ क्योंकि सकते हैं। आ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आ सकते हैं। जा मुझे भी कम सकते हैं। तुम्हारी कबर्ड मुझे देखनी है अभी। मेरी कबर्ड बहुत फैली हुई है। नहीं फैली हुई, मुझे पता है तेरी कबर्ड बहुत अच्छी है। मुझे तेरी नहीं कबर्ड देखनी है है, अभी की मैंने अभी। बहुत टाइम से वो ठीक नहीं करी मुझे थी। अभी देखनी है कबर्ड की ये कबर्ड करने है। से पहले तुम्हें मेरी पंखा लाश में से होके गुजरना होगा। मैं कह रही हूँ कपड़े निकाल के दो मुझे तो अभी। मुझे यही तो समझ में आ रहा है कि कौन से दूँ तेरे, कौन से मेरे आएंगे। सारे कपड़े आ जाएंगे, ठीक जो है भी मैं है सब दे दो। सोचती हूँ, हाँ रुको जल्दी मैं सोचो, सोचती हूँ। तुम्हें आ सकता है इजीली, लाओ दे दो तो तुम दे दो दे दो दे दो। ये ट्राई करना। यस, ये अच्छा भी लगेगा बहुत। ये आ जाएगा, किससे, जंजीरों से बनाया है क्या ये? क्या है ये ये मटेरियल भी भैया? तुम्हारे आ जाएगा। ये पहन लो, हाँ ये तो मुझे अच्छा भी लगता है। ये पहन लो। और क्या आएगा वन तुम्हारा? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। फाइव हो गया, तो ये पहन लो। और इसका मुझे उम्मीद है कि इसको ना तो मैं पहन पाऊंगी ना ये ये मेरे इनर आएगा। ड्रेस भी आ जाएगी, ब्लैक वाली। ये ड्रेस है, ये स्कर्ट है, नहीं ये ड्रेस है, लाव दे दो। ये भी आ जाएगी। ओके ओके तो मुझे मिल चुके हैं रितु के इतने सारे कपड़े, ये 5 6 कपड़े हैं मेरे पास। और उसमें कुछ ऐसे से हैं जो मैं शायद कभी वेयर ही नहीं करती, कुछ इस टाइप के इसमें कपड़े भी हैं। चलो ट्राई करते हैं। ओके फर्स्ट ड्रेस है ये टॉप है, स्लीव्स कुछ इस तरह से हैं और मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। पर दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत, इसका नेक लाइन जो है बहुत ज़्यादा वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक इनर डाली हुई है जो बहुत कूल लग रही है, और ये टॉप भी बहुत ज़्यादा डिसेंट सा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि तो इससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ इसको करने में। पास। ओके नेक्स्ट टॉप है ये, काफी स्किनी सा टॉप है और शीन से लिया था इसने। अब शीन तो बेचारी चली गई है। कौन सा प्रिंट है ये? हाँ जो भी ये प्रिंट है बहुत अच्छा सा ना स्नेक टाइप से मुझे फील दे रहा है, काफी ज्यादा स्किन टाइट है ये मेरे। और क्योंकि ये मेरा साइज नहीं है, ये साइज है स्मॉल, और अपना साइज तो एल या एक्सेल में चलता है, तो पर फिर भी हमने इसे फंसा लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। काफी स्ट्रगल किया है इसको पहनने के लिए मैंने, काफी दम लगाया, पर ये लग बहुत अच्छा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ गया। काफी नाक जैसा फील आ रहा है ऐसे, नहीं डंक लगा दो किसी को। नाइस तो ये भी पास हो गया क्योंकि ये मेरे आ चुका है टॉप, तो जितने भी टॉप मेरे आ जाएंगे मैं उनको ले जाऊंगी, है ना? ओके तो उतारे इसे, तो जितना मैंने इसको पहनने में मशक्कत की है उतना ही इसको निकालने में भी की जाएगी। मकशत मकशत मकसद नहीं, तो मशक्कत। मशक्कत, तो इसको उतारने में भी उतनी ही मकसद यार उतनी ही मशक्कत की जाएगी। तो ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं। ओके नेक्स्ट है ये ब्लैक टॉप, और ये मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है इसका ये वाला टॉप, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझ पर, बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा टॉप है ये। और बस थोड़ा सा ना कि ये शोल्डर से और ये थोड़ा सा इस तरह से इसमें चैन वगैरह दे रखी है, तो ये थोड़ा सा ना पार्टी लुक देता है, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये मेरे आ गया है, पर हल्का सा मुझे यहाँ से टाइट सा लग रहा है, तो एस
वाले जो कपड़े हैं वो एल वालों के आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए जिंदगी में है, और क्या चाहिए बताओ। मैं इसे हमेशा बोलती रहती हूँ कि अपने कपड़े मुझे ट्राई करने दो, ट्राई करने दो। हाँ, सुनते ही नहीं है। थोड़ी अच्छी सी यू नो फ्लेक्सिबल सी हमारी बॉडी है, तो हम इसके सारे कपड़े ट्राई कर सकते हैं। टॉप आ चुका है और नेल पेंट भी इससे बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया है। टॉप इसने मुझे दिया अभी, ये काफ़ी क्यूट सा टॉप है और ये कुछ इस तरह से है, तो बैकलेस है पूरा। काफ़ी अच्छा और हैवी सा ये टॉप है। कुछ मटेरियल इसका ना लोहे से बना हुआ है ये टॉप, वो नहीं शहनशाह ऐसे पहन लेता है ऐसे करके बाजी कर नहीं नायक जो भी है, तो वो जो शहनशाह जो पहन लेते हैं हाथों में जंजीरें, तो उस टाइप का ये टॉप है। काफ़ी अच्छा सा है, पर ये ना तो मेरे आने वाला है और ना मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। और ओके, नेक्स्ट ड्रेस है ये, और ये ड्रेस ही है, ठीक है, टॉप नहीं है, ड्रेस है ये। तो ये गोवा वाले बीच से लाई थी ऋतु, और इसने एक बार भी नहीं पहना है, तो हमने ट्राई कर लिया इसको, क्या जाता है। तो ये मेरे बहुत ये भी मुश्किलों के बाद ही आया है, इसको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा है, पर फाइनली आ गया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वैसे देखने में। यहाँ पे पीछे डोरी है और उसको अच्छे से कस दिया गया है, तो कुछ इस तरह से ये पूरी ड्रेस डिज़ाइन की गई है जिससे आदमी को पूरा बांध दिया जाए। तो मेरे मतलब कि ये बिल्कुल ड्रेस नहीं है, मैं इसे नहीं कैरी कर सकती, नहीं पहन सकती। ओके, तो मैं आ गई अपने रियल अवतार में, ये मेरा रियल अवतार है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ड्रेस और इसने मुझे दी थी, ये ब्लैक और काफ़ी अच्छी सी ड्रेस है, और ये इतनी ज़्यादा मुझे फंसी है ना, ये बिल्कुल मतलब ये ऐसा था कि मतलब ठीक है अब मैं मतलब पहनाया और इसे उतारूँ, बस ये था। इसको लेकर मैं खड़ी भी नहीं हो सकती दो मिनट के लिए भी, मैं इसको नहीं पहन सकती, नहीं कैरी कर सकती। तो अब मुझे सीरियसली पता चला कि हाँ, एस और एल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस ड्रेस को देखने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम भी कभी एस वाली ड्रेसेस को बहुत अच्छे से कैरी कर पाएंगे, काश वो दिन जल्द ही आए। थी मेरी छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो कि मैं अपने सिस्टर के कपड़ों को कैरी कर सकती हूँ नहीं, क्योंकि उसका साइज है एस और मेरा साइज है एल और या एक्सल, और अभी फिलहाल के लिए मैं मीडियम की तरफ जा रही हूँ। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो मैं मीडियम में कैरी कर लेती हूँ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। और मैंने अभी एस साइज या एक्स एस भी यू नो ट्राई किए हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से आए, तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बोल दो, बाय। प्रेम द प्याला पियो, मैं प्रेम द प्याला पियो।